Good morning, students. How are you? Welcome to craft class today. We are going to learn how to do origami. But the origami is all about paper folding. How to fold the paper and paper fold करने के बाद हमें क्या नई नई चीज़ें हम बना सकते हैं उसे हम origami कहते हैं. It is an extra curriculum activity. पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं जो कि हमारे दिमाग की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. यह आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो क्योंकि हर रोज़ पढ़ाई करते करते हम बोर हो गए हैं. यू विल रियली लव टू डू इट. बट दीज ओरिगामी शीट्स देखो, दे आर सो कलरफुल एंड दे आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. यू विल लव टू डू इट. आज कुछ एक्साइटिंग होने वाला है जो कि मैं आपको सिखाऊंगी. ओरिगामी में टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हैंकरचीफ फोल्ड. हैंकरचीफ को कैसे फोल्ड किया जाता है. आपके घर में भी हैंकी होगा. पहले आप इसके ऊपर ट्राई करो, देन वी विल डू इट ऑन द हैंकी ऑल्सो. सी बेटा, वॉट एवर कलर यू वॉन्ट यू कैन चूज इट फ्रॉम हेयर. आप कोई भी कलर लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो. सो आई एम टेकिंग रेड कलर. सी दिस इज रेड और इसकी उल्टी तरफ दिस इज वाइट कलर, राइट. सो जब हम हैंकरचीफ को फोल्ड करेंगे हमें रेड कलर को ऊपर रखना है और वाइट कलर हम अंदर छुपा देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डाउन करेंगे, इसको ऐसे अप करके रखेंगे. मेक अ फोल्ड. इसके दोनों के सेंटर में हम एक फोल्ड करेंगे. इन दोनों कॉर्नर्स को मिला के देखो, ये दोनों कॉर्नर्स मिलाए, यहाँ से भी हमने दोनों कॉर्नर्स को मिला दिया और यहाँ रखने के बाद हमने इसको एक प्रेस दे दी अच्छे से, इसकी सिलवट बना दी. देखो ऐसे करके इसको प्रेस कर देना आपको. सी ये लंबे में फोल्ड आ गया आपका, राइट. अब इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए. अब हैंकी का फोल्ड ऐसे तो नहीं होता ना. अब हम इसको एक और फोल्ड करके इसको हम छोटा बनाएंगे. सी अब ये वाले कॉर्नर्स भी हमारे जो हैं ये ऐसे करके बराबर होने चाहिए और इसको करीज को अच्छे से प्रेस कर दो. आप दोनों करीज अच्छे से पकड़ के अपने ऐसे नेल्स के साथ और टू फिंगर्स की टिप्स के साथ आप इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए. सी ये आपका हैंकी बन गया, ठीक है. यू हैव टू पेस्ट दिस हैंकी इन योर ड्राइंग कॉपी, राइट. और ऐसे हैंकी लेके हम अपनी पॉकेट में इसको अच्छे से स्लाइड अप कर सकते हैं. अच्छा लगा ना आपको. आप ये हैंकी बना के ड्राइंग कॉपी में पेस्ट कर देना. थैंक यू.